शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनाज मंडी के पास दुकान के राख में चोरों ने ताले चुटका दिए, जिसके बाद सुबह जब अनाज मंडी में किसान निकले तो उन्होंने आकाश मेडिकल स्टोर के संचालक को सूचना दी। वहीं आपको बता दें कि दुकान संचालक आकाश खान ने बताया कि रोज की तरह वह रात को दुकान बंद करके अपने घर आया था, तभी सुबह मंडी व्यापारियों को फोन आया कि दुकान की शटर आधी खुली हुई है, अंदर कोई सो रहा है क्या। इस पर संचालक ने कहा कि नहीं, फिर उसने मौके पर जाकर देखा तो शटर खुली हुई थी और अंदर से 50,000 नकदी और iPhone 6 गायब था। इसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और जांच शुरू कर दी है। नाम है तुम्हारा? आकाश खान। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? ये सुबह मैं 4 बजे आया था तो मेरी दुकान के दोनों ताले टूटे पड़े हुए थे और इसमें से अंदर से मेरा आईफोन मोबाइल और 50,000। जानकारी किसने दी आपको? मुझे सुबह मंडी वालों ने बताया, जब मैं यहाँ से आया तब मंडी वाले निकल रहे थे, सुबह मजदूरी का टाइम रहता है उनका, तो सुबह निकल रहे थे जब उन्होंने बताया कि आपकी दुकान शटर खुली हुई है आधी, तो उन्होंने पूछा मुझसे कोई सो रहा है क्या उसमें, मैंने कहा नहीं, तो यार तेरी शटर तो खुली है। तो मैं फिर घर से भगता हुआ आया, मैंने आके चेक करा तो मेरी दुकान आधी खुली हुई थी, आधी शटर खुली हुई थी। पैसे वगैरह थे क्या? पैसे थे ना उसे, 50,000 रुपये थे और कुछ चल्ले ही पड़े थे, 10-10 के 20-20 के और 550 रुपये लेते थे। एक मोबाइल था iPhone 6, वो भी ले गए और पैसे भी ले गए, सामान पूरा फैला पड़ा हुआ है। नज़दीकी थाने में आपने कंप्लेंट की? हाँ, कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ। पुलिस आ गई थी? हाँ आ गई थी, अभी आ गई है, अभी आई है, जब मैंने कंट्रोल रूम फोन करा था भाई।